हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सलोन 94। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख के जान ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो जो प्लेन का जो इंसिग्निया होता है, मतलब वो जो डिजाइन होता है, उसको हम लोग इंसिग्निया बोलते हैं। तो वो क्यों होता है, क्या होता है, उसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो इस इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, अलग अलग मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, अलग अलग कंट्री के मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होती हैं, उनमें अलग अलग डिजाइन बनी होती है, ठीक है? तो इसी डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिग्निया। हिंदी में बोले तो बिल्ला, बैज, आप जो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? तो ये आखिर होती क्यों है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। हाँ, तो ये इंसिग्निया जो है वो हर एक प्लेन में, हर एक कंट्री के प्लेन में अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि ये जो प्लेन है वो किस कंट्री का है या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन का है। जैसे इंडिया का अलग होता है, ठीक है? इंडिया का प्लेन में देखना, सर्कल रहेगा, उसमें तिरंगा कलर रहेगा, ठीक है? वैसे ही पाकिस्तान का अलग होता है, हमारे परम मित्र पाकिस्तान, उनका ग्रीन टाइप में होता है। उनके चचा जान अपने चाइना, उनका अलग होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं, ठीक है? जैसे यूएन का, यूएन के जितने भी प्लेन होंगे उसमें एक अलग इंसिग्निया बना होगा। वैसे ही नाटो, उसका जो प्लेन है उसका अलग रहेगा। तो ऐसे ही, मतलब हम लोगों को ये आइडेंटिफाई, हम लोगों को नहीं, मतलब आर्मी को आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो कि ये किस कंट्री का प्लेन है, इसलिए ये इंसिग्निया बनी होती है प्लेन पे। आमतौर पे ये जो इंसिग्निया है वो होती है सर्कुलर शेप में, लेकिन कई जगह, मतलब कई देश अपना जो इंसिग्निया है उसको सर्कुलर नहीं रखे हैं, वो लोग अपना चलाते हैं। तो अपना चलाते हैं मतलब अपना अलग शेप रखें, जैसे स्टार हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, इस टाइप से, ठीक है? हाँ, तो अब बात करते हैं ये जो इंसिग्निया है ये प्लेन पे किस प्लेस पे लगाया जाता है। तो देखिए भैया, पतिया सिंपल सी बात है, ये जो है ना टोटल लगी ये प्लेन का डिजाइन पे और उनका मालिक यानी वो कंट्रिया पे डिपेंड करता है। जैसे कई देश में ये कहाँ लगाया जाता है, बॉडी के किनारे किनारे, कई देश में नीचे पंख पे, कई देश में पीछे पूछिया जो होता है ना, पूछी पीछे का, जिसको हम लोग टेल फिन भी बोलते हैं, उस पे लगाते हैं। तो ये टोटली उनके, मतलब मूड पे डिपेंड करता है कि भैया हमको कहाँ लगाना है, और उस पे शेप पे, शेप जैसे मान लो फ्लैट है तो नीचे लगा दिए, ऊपर लगा दिए, जिससे लोगों को दिखे कि हाँ भैया ये प्लेन में यहाँ पास ये इस कंट्री का है। नहीं तो पता चला कि सेफ है सीधा और लगा दिए तिरछे साइड में, तो कहाँ घंटा दिखेगा। हाँ, तो भैया चलिए इसका हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पहले फ्रांस की तरफ से यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम, ठीक है, 1912 में। तो शुरुआती में इसका कलर सर्कुलर था, जो कि तीन रंग से मिल के बना था, ब्लू, वाइट एंड रेड। ब्लू सबसे सेंटर में था, उसके बाद वाइट, उसके बाद सबसे बाहर में रेड कलर था, ठीक है? आज भी यही ट्राई कलर सर्कुलर इंसिग्निया आज भी कई कंट्री यूज़ करती है। लेकिन हमारे जर्मनी वाले चाचा, उनको हो गई खुजली और बोले ना बेटा, इस सर्कुलर शेप हमसे ना हो पाएगा, हम तो अपना अलग निकालूंगा। तो फाइनलाइज किया गया अलग अलग शेप। तो पहले चेसबोर्ड का शेप देखा गया, मजा नहीं आया। फिर फाइनलाइज किया गया, एक क्रूस लिया गया और उसी को ब्लैक एंड वाइट कलर में सेलेक्ट किया गया, जो कि आज वहाँ का इंसिग्निया बना हुआ है। तो ये जो इंसिग्निया है ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल इंसिग्निया और एक लो विजिबिलिटी इंसिग्निया। तो जो लो विजिबिलिटी इंसिग्निया है वो इसलिए काम आता है नाइट फ्लाइट में, ठीक है? मतलब कहीं नाइट में जाना है, लोगों से छुप के जाना है, इसलिए लो विजिबिलिटी इंसिग्निया काम आते हैं, ठीक है? और जैसे कैमोफ्लैज में यूज़ होता है, कैमोफ्लैज मतलब छलावर, छलावा मतलब आपको बैकग्राउंड में, मतलब आपको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ कोई प्लेन जा रहा है, इस टाइप का प्लेन में यूज़ होता है क्या, लो विजिबिलिटी इंसिग्निया, ताकि अपने को एनिमी को पता ना चले कि ये जो प्लेन है ये किस कंट्री का है। अब बात करते हैं फिन फ्लैश की। तो ये जो फिन फ्लैश है, नाम से ही पता चल रहा है, फिन मतलब पीछे, ठीक है? पीछे फ्लैश होता है, मतलब पीछे दिखता है। तो जो पीछे उसका टेल होता है उसमें
देखते हैं डिजाइन बना रहता है, तो ये इसको बोलते हैं फिन फ्लैग्स। तो ये मेनली क्या होता है, ये कंट्री का जो है वो झंडा का बना रहता है, और उसमें एक नंबर भी रहता है जो कि उस प्लेन के बारे में डिटेल देता है या फिर उस कंट्री के बारे में। हाँ तो चलिए फिर देखते हैं इन सभी कंट्री के इंसिग्निया को, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अपने को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, मोटिवेशन मिलती है यार, कुछ भला हो जाएगी। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।